हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ट्रेन स्टिचिंग। डे 6 में हमने अम्ब्रेला कट कुर्ती की मार्किंग की थी और जो स्लीव्स बनानी थी वो मैं सब सिखा दिया था। जिसने नहीं देखा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाके देख लेना। आज हम अम्ब्रेला कट कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करनी है और इसमें की जो दूसरा नाप लेंगे इसमें तो उसकी स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है ना, वो सब मैं इसमें समझाऊंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। डे 6 में हमने ये अम्ब्रेला कट की कटिंग करी थी और ये वाले यहाँ पे जो जॉइंट लगाना है ना उसको कैसे लगाना है, तो ये नीचे वाला जो कपड़ा बचेगा वो ऐसा रहेगा। तो उसको क्या करना है, यहाँ से ये लॉन्ग साइड रहेगी ना तो ये पेपर ज़्यादा है इसके लिए ऐसा हो रहा है, कपड़ा कम पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे रख लेना है। इसको यहाँ पे रखने के बाद ये जो हमने जितना कपड़ा काटना है ना उससे आधा ही ज़्यादा ऐसे मार्किंग कर लेनी है। फिर यहाँ से भी यहाँ पे भी आधा इंच सिलाई में जाएगा तो यहाँ से आधा इंच ऊपर करके यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ऐसे सीधी लाइन कर लेनी है, यहाँ से सीधी लाइन कर लेनी है जो हमने मार्किंग की थी उसको ऐसे काट लेना है। ये ऐसे निकल गए। अभी इसको क्या करना है, यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे कपड़ा कम पड़ा था ना इसके लिए ये निकाला, तो इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे इसको जॉइंट कैसे लगाना है, तो ये जो कपड़ा रहेगा ना तो ये हमारा सीधी साइड रहेगा, समझो ये सीधी साइड है। तो इसको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख लेना है। ये जो ऐसे कर्व शेप में है ना उसको ऊपर की साइड रखना है और सीधा है ना उसको ऐसे यहाँ पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ऐसे आधा इंच छोटी यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ये इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। तो ये जो दूसरा वाला है इसको क्या करना है, इसके नीचे रखना है। इसको यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों को सिलाई लगा के मिलते हैं। देखो यहाँ पे सिलाई लगा ली, इस साइड भी सिलाई लगा के हो गया, यहाँ पे भी सिलाई लगा के हो गया। फिर इसको ऐसे सीधा कर लेना है, इसको भी ऐसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये इसको ऐसे उल्टा कर लेना है और जो ज्यादा कपड़ा बचेगा उसको काट लेना है। देखो ये ज्यादा कपड़ा था उसको काट लिया, ऐसे हमारा नीचे का घेर हो गया। ऐसे हमारा नीचे का घेर बन के रेडी हो गया। अभी इसको साइड कर लेते हैं और ऊपर का जो बनाना है वो बना लेते हैं। अभी ये जो हमने आगे का ऊपर का जो पार्ट्स बनाया था उसमें यहाँ पे पट्टी लगानी है, तो वो कैसे निकालनी है, तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फिर ये जो बन साइड रहेगी और इसमें भी एक बन साइड है तो इसको ऐसे रख लेना है। रखने के बाद क्या करना है, ये जो हमने गला काटा था उसी से ऐसे मार्किंग कर लेनी है, उसी साइज की मार्किंग कर लेनी है। ये हो गया। अभी इससे अंदर की साइड से 1.5 इंच ज़्यादा ऐसे मार्किंग कर लेनी है। देखो ये मैंने इसको रख के ये मार्किंग की। अभी ये जो अंदर की मार्किंग है ना ये यहाँ पे 1.5 इंच का गैप छोड़ा है, ये 1.5 इंच की पट्टी निकाल लेनी है। फिर जो हमने मार्किंग की थी ना उसको काट लेना है। देखो ये पट्टी निकाल ली। अभी इसको क्या करना है, ये जो समझो ये सीधी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है ना, तो सीधी साइड पे इस पट्टी को ऐसे रख लेना है। फिर यहाँ पे 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच नहीं, आधा इंच छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे मैंने मार्किंग की है ना वहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। फिर इसमें कट्स लगा लेनी है। फिर इसको पूरा अंदर ऐसे मोड़ के सिलाई लगानी है। इसको पट्टी कैसे लगानी है ना वो पूरा वीडियो मैंने डिटेल में समझाया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाके देख लेना। सेम ऐसे ही पीछे के पार्ट्स में भी कर लेना है, पीछे की साइड भी यहाँ पे पट्टी निकाल के लगा लेनी है। यहाँ पे आपको पट्टी लगा लेनी है और ये सीधी साइड रहेगी ना उसके ऊपर ये पीछे के पार्ट्स को उल्टा रख लेना है, सीधी साइड पे इसको उल्टा रख लेना है। फिर शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है, यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। देखो यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करके हो गया। अभी इसको सीधा करेंगे तो ऐसे ऊपर का पार्ट्स हमारा हो गया। यहाँ पे हमें स्लीव्स लगानी है, तो वो कैसे करना है ना वो देखते हैं। स्लीव्स बनाने के लिए कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है। ये हमारी बन साइड रहेगी, ये हमारी ओपन साइड रहेगी। अभी बाई का नाप देख लो, ये बाई हमारी 3 इंच की है और मोरी 8 इंच की है। तो 3 इंच की बाई है ना, तो उसमें मैंने क्या सिखाया था कि 1 इंच प्लस करना है, तो मतलब 4 इंच की बाई लेने हैं। तो
एक इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच पे मार्किंग करनी है, दोनों साइड पे मार्किंग कर लेनी है। फिर बगल उतारना, वो तो ये 5 से ज़्यादा होगा तो 3 लेते हैं, और 5 से जो कम होगा तो हम 2 इंच का लेते हैं। तो ये तो 3 की बाई है ना, तो 5 से कम है तो यहाँ पे हम बगल उतारते हैं 2 इंच पे। 2 इंच पे ये हो गया। अभी यहाँ से मुड्डो लेना है, तो मुड्डो कैसे लेना है, तो जो ऊपर का पार्ट है हमारा उसको यहाँ से ऐसे नाप लेना है। नापने के बाद देखो ये 8 इंच आया, तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्किंग कर लेनी है ऐसे। फिर ऐसे सीधी लाइन बना लेनी है। ये मुड्डो भी हो गया। अभी मोरी, मोरी हमारी कितनी है, 8 इंच की है, तो उसका आधा करना है, तो कितना आएगा, 4 इंच आएगा। उसमें 1 इंच और प्लस कर लेना है सिलाई के लिए, तो 5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ऐसे सीधी लाइन बना लेनी है। फिर ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से जोड़ लेना है। ये हो गया। अभी यहाँ पे शेप देना है 2 ऐसे। ये हो गया। अभी इसको काट लेना है। देखो ये कट करके हो गया। अभी जो अंदर की साइड की मार्किंग की ना, उसको 2 ही कपड़े को काटना है, पीछे वाले 2 को नहीं काटना है। देखो ये 2 कपड़े को काट लिया। फिर क्या करना है, यहाँ से तो सेम ही रखना है, ये जो हमने काटा था ना उसको सेम रखना है, बस थोड़ा सा ऊपर यहाँ से लेके जाना है। देखो ये इतना कपड़ा है तो मैंने इतना ही रखा, फिर यहाँ से थोड़ा ज्यादा रखा है। देखो फिर इसको काट लेना है। ये काट लिया। अभी मार्किंग कर लेनी है। ये रॉन्ग साइड बना लेते हैं। इधर की साइड एक रॉन्ग साइड और इधर की साइड एक रॉन्ग साइड। ये हो गया। अभी इसको फोल्ड कैसे करना है, तो रॉन्ग साइड ही रखना है। फिर इसको एक बार फोल्ड किया ऐसे, फिर वापस से एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसे 2 बार फोल्ड करना है। ये यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखो यहाँ पे यहाँ से जहाँ पे मैंने मार्किंग की है ना, वहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है ऐसे। ये सिलाई लगा लेनी है। इसमें भी सेम ऐसा ही कर लेना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है, फिर वापस से फोल्ड कर लेना है, फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद मिलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के हो गया। अभी इसको इसमें लगाना कैसे है ना वो देखते हैं। इसको ऐसे खोल लेना है। फिर ये हमारी आगे की साइड है और ये पीछे की साइड है। इसको कैसे लगाना है वो ध्यान से देखना। पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद देख लेना कि ये जो ज्यादा कपड़ा रहेगा ना, वो पीछे की साइड आना चाहिए। तो पीछे की साइड आएगा तो ये इसको यहाँ पे लगाएंगे ना, तो पीछे की साइड आएगा। देखो ये हमारी सीधी साइड है, ये रॉन्ग साइड है ना, उसको यहाँ से रख ले सिलाई, यहाँ से रख लेना है। ये जो हम यहाँ पे कट्स लगा लेनी है, वो मैं भूल गई थी। देखो यहाँ पे ऐसे कट्स लगाने, यहाँ पे हमें कट्स लगा लेनी है ताकि हमें समझ आएगा कि यहाँ पे बीच में आएगा। इसको ऐसे रख लेना है, फिर ऐसे ऐसे करके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसा ही इसमें भी कर लेना है। देखो ये हमारी रॉन्ग साइड है ना, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखो ये पीछे की साइड ज्यादा आएगा ना, तो इसको ऐसे रखेंगे तो ये पीछे की साइड है हमारी, तो ये ज्यादा कपड़ा आएगा। उसको ऐसे रख लेना है, यहाँ से ऐसे करके दोनों में सिलाई लगा लेनी। देखो इस पे मैंने ऐसे सिलाई लगा ली, इस साइड भी लगा ली, ऐसे हमारी स्लीव्स भी लग के हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बोलना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। अभी हम नीचे का जो गियर बनाया था ना उसको लगाते हैं। ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना, उसको ऐसे खोल लेना है। ये हमारी सीधी साइड है ना, तो ये जो हमने गियर बनाया था नीचे का, तो ये उसकी उल्टी साइड है, तो उस सीधी साइड पे उसको ऐसे उल्टा रख लेना है। तो ऐसे उल्टा रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पे हमें डबल सिलाई लगानी पड़ेगी। ये पेपर है तो मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूंगी, आप कपड़े पे बनाओगे तो डबल सिलाई लगा लेना। सेम ऐसे ही इधर की साइड भी। ये हमारी सीधी साइड है, उसके ऊपर ये जो हमारा नीचे का पार्ट है उसको उल्टा रखेंगे। उल्टी साइड ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखो यहाँ पे सिलाई लगा लेना है, फिर इसको ऐसे कर लेना है। तो हो गया ना ये, देखो पीछे की साइड भी हो गया। अभी इसको क्या करना है, उल्टा कर लेना है पूरे फ्रॉक को। इसको फ्रॉक को उल्टा कर लिया। अभी क्या करना है, हमारा नाप है ना उसको देखना है। मोरी हमारी कितनी थी, 8 इंच की, तो उसका आधा कर लेना है, तो 4 इंच आएगा। तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, इधर की साइड भी और उधर भी।
ये 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये हो गया। अभी चेस्ट को भी सेम ऐसा ही करना है। चेस्ट हमारी 28 है तो उसका आधा करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। देखो मार्किंग कैसे करनी है, यहाँ पे देखो मैंने 1.5 इंच का गैप है ना इसके बीच में, और यहाँ पे भी 1.5 इंच ऐसे ही आना चाहिए। फिर यहाँ पे आप 2 इंच का गैप ले लोगे, यहाँ पे टिक करोगे और इसको 1.5 इंच रखोगे। ऐसा नहीं करना है, दोनों साइड पे बराबर आए ना वैसे मार्किंग करनी है। ये चेस्ट की मार्किंग हो गई। अभी कमर भी सेम ऐसा ही करना है। कमर हमारी 22 है तो उसका आधा करेंगे तो 11 इंच आएगा, तो 11 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ये हो गई। फिर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेना है, तो सीधी लाइन कर लेनी है, यहाँ पे भी सीधी लाइन कर लेनी है और स्लीव्स को भी ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। फिर यहाँ इधर की साइड कैसे करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे कम करते जाना है। फिर यहाँ से नीचे तक मैंने मार्किंग की है ना, वहीं पे आपको सिलाई लगा लेनी है। देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इधर की साइड भी सेम ऐसा ही करना है, इसको यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। नीचे तक सिलाई लगाते हैं ना, फिर मैं फिर क्या करना है, नीचे का यहाँ पे हम सिलाई लगा के हो जाएगा, फिर इसको 2 बार फोल्ड कर लेना है। देखो ऐसे हो जाएगा, फिर इसको ऐसे 2 बार स्लीव्स पे कैसे हमने ये फोल्ड किया सेम वैसे ही 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी। देखो मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली और इसको 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये पेपर फट जा रहा है तो मैंने सिलाई नहीं लगाई है, आपको लगा लेनी है। फिर इसको सीधा कर लेना है। ऐसे हमारा अम्ब्रेला कट फ्रॉक भी हो गया। हमने 3 फ्रॉक बनाए थे, प्लेटेड फ्रॉक बनाया था एक, और फ्रॉक नहीं एक कुर्ती भी बनाई थी, जो कट वाली कुर्ती है वो हमने बनाई थी, और ये आज हमने अम्ब्रेला कट बना ली। अभी हम पैंट की कटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।